करेरा की प्रतिष्ठित समाज सेवी प्रमोद गुप्ता भारती के द्वारा अपनी मां स्वर्गीय लक्ष्मी देवी सेठ की सातवीं पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईटीबीपी आरटीसी करेरा के डीआईजी सुरेंद्र खत्री उपस्थित थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेरा एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में सिहोरा जेल उपाधीक्षक दिलीप नायक, जनपद पंचायत करेरा के पूर्व अध्यक्ष नारायण प्रसाद गेड़ा, मनोज रेजा अध्यक्ष गहुई समाज करेरा, समाज सेवी सुरेश बंधु जनपद पंचायत करेरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्रह्मोन्द्र गुप्ता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती का पूजन किया गया और मां को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता, वंशज गुप्ता, राघव सेठ, प्रमोद गुप्ता भारती ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद प्रमोद गुप्ता भारती ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कवि सम्मेलन के आरंभ में माँ सरस्वती की वंदना साहित्यकार प्रभु दयाल शर्मा के द्वारा की गई। साथ में डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के द्वारा गायन किया गया। तो वहीं मॉडल स्कूल करेरा की छात्रा सलोनी तिवारी ने माँ को समर्पित गीत भी प्रस्तुत किया। कविता पाठ में डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, रमेश वाजपेयी, प्रमोद गुप्ता, कविता गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, सौरभ तिवारी, राकेश श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र चौरसिया, भास्कर परमार भावुक ने यहां पर कविता पाठ किया और श्रोताओं से खूब तालियां प्रशंसा हासिल की। विशिष्ट अतिथि ब्रह्मेंद्र गुप्ता ने अपने उद्बोधन के साथ जब गीत सुनाया तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। दिलीप नायक जेल उपाधीक्षक ने मां को समर्पित गाना सुनाया। मुख्य अतिथि आसंदी से डीआईजी सुरेंद्र खत्री ने कवि सम्मेलन में और मां की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक होंगे और समाज में अच्छा संदेश देते हैं। अध्यक्षता कर रहे करेरा एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के कवि सम्मेलन में सभी रचनाकारों की कविता पाठ देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। कवि सम्मेलन में विशेष रूप से डॉक्टर अरविंद बेडर, संजय निखरा, युगल किशोर शर्मा, नरेंद्र तिवारी, संजय बलैया, नीरज गुप्ता, धर्मेंद्र चौरसिया, केंद्रीय विद्यालय करेरा, परमेश्वर दास गुप्ता, अरविंद बेडर, रौनक राय के साथ बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ तिवारी ने किया और आभार प्रदर्शन हरिकृष्ण सेठ ने किया। मेरे पास भी माँ नहीं है और मैं सबसे ज्यादा तो प्यार अपनी मासी से करती हूँ जो माँ के बराबर होती है। जब हम छोटे होते हैं तो जब हम माँ के स्तन एक स्तन को मुंह में दबाकर जब उस दूध पीते हैं और एक अपने पैर से उसमें लात भी देते हैं, लेकिन तब भी माँ हमें दूध पिलाना बंद नहीं करती। लात खाकर भी वो हमें प्यार से दूध पिलाती है और मतलब बहुत मुश्किलें सहकर भी वो हमें अपने पास बहुत प्यार से रखती है। इसी तरह एक छोटा सा माँ का गीत है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी, जिसमें माँ कितना दर्द सहती है और कैसे हमें पालती है उसके बारे में बताया गया है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, तू बलिहारी है। तुम्हारे उसी चांद में गहरा फर्क आ गया। मैंने उन लोगों से कहा कि जाना ना सही,
थोड़ा सा सही शराब पीने पर नजर छाई जाता है और ऊंट पर बैठोगे तो मलकना आई जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। धरती अंबर क्या लिख दूं, क्या बात है, क्या बात है। जर्रा जर्रा कतरा कतरा धरती अंबर क्या लिख दूं, सबनम बूंदे दरिया झीले और समंदर क्या लिख दूं। जर्रा जर्रा कतरा कतरा धरती अंबर क्या लिख दूं, सबनम बूंदे दरिया झीले और समंदर क्या लिख दूं। पत्ते टहनी गुल दरख्त या सारा मंजर क्या लिख दूं, पत्ते टहनी गुल दरख्त या सारा मंजर क्या लिख दूं। मेरी सूरत मेरी सीरत जिसने मुझे तराशा है, आप बताओ मैं अज्ञानी माँ के ऊपर क्या लिख दूं। आप बताओ, आप बताओ मैं अज्ञंतर क्या लिख दूं, श्लोक आयते दोहा छंद या जंतर मंतर क्या लिख दूं। गुरु ग्रंथ गीता कुरान या शिव शिव हर हर क्या लिख दूं। श्लोक आयते दोहा छंद या जंतर मंतर क्या लिख दूं, गुरु ग्रंथ गीता कुरान या शिव शिव हर हर क्या लिख दूं। गुरु गुरु माता और विधाता या पैगंबर क्या लिख दूं, गुरु गुरु माता और विधाता या पैगंबर क्या लिख दूं। मेरी सूरत मेरी सीरत जिसने मुझे तराशा है, आप बताओ मैं अज्ञानी मेरी माँ के ऊपर क्या। आप बताओ। सुबह निराली शाम सांवली या दोपहर लिख दूं, सुबह निराली शाम सांवली या दोपहर क्या लिख दूं। पूड़ी सब्जी भात पराठे दाल या टिक्कर क्या लिख दूं। क्या बात है, क्या बात है। पूड़ी सब्जी दाल भात पराठे दाल या टिक्कर क्या लिख दूं। दरो दीवार छते खिड़कियां या कि पूरा घर लिख दूं। क्या बात है, छते दरो दीवार छते खिड़कियां या पूरा घर क्या लिख दूं। मेरी सूरत मेरी सीरत जिसने मुझे तराशा है, आप बताओ मैं अज्ञानी माँ के ऊपर क्या लिख दूं। एक शेर उसके बाद करती हूँ और उसके बाद माँ सरस्वती के चरणों में चार लाइनें प्रस्तुत करती हूँ, उसके बाद अपनी कविता पाठ करूंगी। अक्षरों के शब्द हार बना मैं सुंदर संसार रचूं, अक्षरों के शब्द हार बना मैं सुंदर संसार रचूं, स्याही की कालिक से कालिक सब खो सकूं। देवरदान है सरस्वती मैं ज्ञान गंगा बन बहूं, कलम रूपी तलवार से राष्ट्र की रक्षा करूं।